सो हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ओहो, सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद लंच किया था, अब फिर से भूख लग रही है। क्या खाया जाए? पर इतनी जल्दी कुछ बन सकता है क्या? इतनी जल्दी ऐसा क्या है जो इतनी फटाफट से बन जाए? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्या करूँ अब मैं, बहुत तेज भूख लगी है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो बहुत होता है। 3 बजे नहीं 4 बजे नहीं और मुझे इतनी ज़ोरों ज़ोरों से भूख लगने लगती है और वही खाना खाने का मेरा मन नहीं करता है। तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ? तो चलिए मैं बना के ही दिखा देती हूँ आपको मैं करती क्या हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है हरी मिर्च, इसको मैंने कट कर लिया है। हरी मिर्च मैंने ज़्यादा नहीं ली है, एक हरी मिर्च ली है, उसको भी मैंने आधा कट किया है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ शिमला मिर्च, शिमला मिर्च को भी हम बारीक काट लेंगे। ये रेसिपी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा सिंपल है और इसे कोई भी बना सकता है फटाफट से, और इसमें कुछ भी नहीं लगता है। तो भूख भी बहुत तेज लगी है, तो ये मैंने शिमला मिर्च को कट कर लिया। अब मैंने लिया है यहाँ पे एक बड़ा प्याज, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। चाहे तो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, टमाटर ऐड कर सकते हैं, गाजर ऐड कर सकते हैं, खीरा ऐड कर सकते हैं, आप अपनी पसंद के हिसाब से कुछ भी डाल लीजिए। इन सब को हम एक बाउल में डाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे शिमला मिर्च को डाल ले रही हूँ, उसके बाद मैं ये प्याज को भी डाल लूँगी और सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेयोनीज़। मेयोनीज़ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेयोनीज़ निकाल रही हूँ। तो मैंने ये मेयोनीज़ निकाल ली है, मैंने 2 स्पून, थोड़ी सी और ले लेती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा। और यकीन मानिए बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एक बार बना के तो देखिए। क्या आप बार बार बनाओगे? मैं तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये, बहुत बनाती हूँ मैं। तो अब हम इसमें लेंगे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने हल्का सा यहाँ पे नमक लिया है क्योंकि मेयोनीज़ में हल्का फुल्का नमक होता है ऑलरेडी। इन सब को हम मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पे ले रही हूँ पिज़्ज़ा टॉपिंग, तो इसको भी मैं ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर लूँगी अच्छी तरह से। अब हम इस स्टफिंग को ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे अच्छी तरह से और बाकी के सारे ब्रेड को कवर कर लेंगे। तो ये हमारे ब्रेड ऑलमोस्ट सारे तैयार हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पे मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा रहेगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल घी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब क्या, देखते देखते चुटकियों में बन गया ना हल्का फुल्का नाश्ता जो आपकी भूख को झटपट से गायब करने वाला। अब हम इसको कट कर लेते हैं और झटक से खा लेते हैं। आपके मुंह में पानी आ रहा है क्या? तो जल्दी से जाइए ना, बनाइए और खाइए और मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपको टेस्ट कैसा लगा और बनाने में कितनी तकलीफ़ हुई, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, आई नो आप बना लोगे। तो ये देखिए दिखने में कितना सुंदर लग रहा है ना, वाह कितना मन कर रहा है खाने का। मैं तो फटाक से खा गई थी और सारा चट कर गई थी एक बार में ही। आप खाओगे ना तो आप तो बार बार मांगोगे, आपने मैंने आपके लिए वीडियो बनाई, इतना कुछ किया और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ओह सब्सक्राइब तो आपने कर लिया है पर आपने लाइक नहीं किया है। वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा आपको वीडियो पसंद आई है? तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए ना। एंड ये देखिए कितना डिलीशियस है और खाने में तो वाह, मुँह में पानी आ जाता है नाम सुन के, बहुत टेस्टी है। तो थैंक यू, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना।